हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रगति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सॉस की खाली बॉटल को हम कैसे रीयूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस एम्प्टी बॉटल को डेकोरेट करने के लिए मैंने इसमें रेड टेप का यूज़ किया है। रेड टेप की हेल्प से मैं इसमें एक स्नेक डिज़ाइन बना लूँगी। आप चाहें तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने इसमें स्नेक बनाया है। ये डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद मैं इसमें सैंड का यूज़ करूँगी। सैंड मतलब रेत का यूज़ करूँगी। रेत से हम इस बॉटल को डेकोरेट करेंगे। पूरी बॉटल पे मैंने टेप को लगा लिया है। चाहे तो इस बॉटल को आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है। जहाँ जहाँ पर भी खाली स्पेस है वहाँ पर हम फेविकॉल को लगा लें। यहाँ पर फेविकॉल को मैं एक ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ। मैं यहाँ पर सैंड को स्प्रिंकल कर रही हूँ। इसी तरीके से पूरी बॉटल में पहले फेविकॉल लगाएंगे और फिर सैंड को स्प्रिंकल कर लेंगे। पूरी बॉटल को सैंड से कवर करने के बाद देखिए ये बॉटल कुछ इस तरह की लगेगी। उसके बाद हम इसमें से रेड टेप को निकाल देंगे। पूरी टेप को निकालने के बाद इसके बाद हम इस बॉटल को पूरी फिनिशिंग दे देंगे। जहाँ पर भी टेप के निशान हैं उसको हम क्लीन कर लेंगे। तो देखिए हमारी बॉटल रेडी हो गई है। सेकेंड बॉटल को बनाने के लिए हम यहाँ पर राइस का यूज़ करेंगे, यानी कि चावल। इस टाइप की मैं दो बॉटल बना चुकी हूँ। सैंपल के लिए मैंने आपको ये बॉटल बनाना बताया है। सबसे पहले एक ब्रश की हेल्प से हम बॉटल में फेविकॉल को लगा लेंगे। उसके बाद हम इसमें चावल को स्प्रिंकल करेंगे। पूरी बॉटल में इसी तरीके से हम फेविकॉल को लगाने के बाद राइस को लगा लेंगे। इस तरीके से राइस से हम पूरी बॉटल को कवर कर लेंगे। फेविकॉल को इसमें अच्छे से लगाइएगा जिससे राइस बॉटल में अच्छे से चिपक जाए। तो देखिए पूरी बॉटल राइस से कवर हो चुकी है। उसके बाद अब इसमें हम येलो कलर का यूज़ करेंगे। स्पॉन्ज की हेल्प से पूरी बॉटल को हम येलो कलर से कोट कर लेंगे। बॉटल को कलर करने के लिए आप कॉटन या ब्रश किसी चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। बॉटल को कलर करने के लिए मैंने येलो कलर का यूज़ किया है। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो देखिए हमारी बॉटल कलर हो चुकी है। ये दिखने में कुछ ऐसी लगेगी। इसके बाद हम इसमें स्टिकर्स का यूज़ करेंगे। मैंने इनमें ये रेडीमेड स्टिकर्स का यूज़ किया है। स्टिकर्स की जगह पर आप यहाँ पर फ्लावर को भी चिपका सकते। तो देखिए हमारी बॉटल रेडी हो चुकी है। इसके साथ जो दो बॉटल और रखी हैं वो भी मैंने राइस से ही बनाई है। थर्ड बॉटल को डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर वाटर कलर का यूज़ किया है। सबसे पहले मैंने इसमें रेड कलर का यूज़ किया है, फिर इसमें मैंने ऑरेंज कलर का यूज़ किया है। ऑरेंज कलर को कलर करने के बाद हम इसमें येलो कलर करेंगे। येलो कलर कंप्लीट होने के बाद हम इसमें फिर से ऑरेंज कलर करेंगे। ऑरेंज कलर कंप्लीट होने के बाद हम इसमें ब्लू और वाइट कलर को मिक्स करके यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें इसमें ब्लू और वाइट कलर का मिक्स शेड चाहिए। लास्ट में हम लाइट ग्रीन कलर को यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पर बॉटल में कोकोनट ट्री को ड्रॉ कर रही हूँ। Thank you.
इस बॉर्डर में मैंने कोकोनट ट्री की पिक्चर्स बनाई है। ज़रूरी नहीं है आप इसमें कोई भी एनिमल की पिक्चर्स, फ्रूट की पिक्चर या कोई और पेंटिंग भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए बॉटल कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी। फोर्थ बॉटल को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड का यूज़ किया है। पेंसिल और स्केल की हेल्प से हम कार्डबोर्ड में लाइंस बना लेंगे। उसके बाद सीजर की हेल्प से हम इसको स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। सारी स्ट्रिप्स को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। ये स्ट्रिप्स कटने के बाद देखिए कुछ ऐसे ही लगती हैं। उसके बाद इन स्ट्रिप्स को हम छोटे छोटे स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। छोटे छोटे पीसेस में कट करने के बाद हम इनको बॉटल में फेविकॉल की हेल्प से चिपका लेंगे। पूरी बॉटल को कवर करने के बाद अब इसमें हम ब्राउन कलर से पेंट करेंगे। आप इसमें वाटर कलर या फैब्रिक कलर किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें वाटर कलर का यूज़ कर रही हूँ। मैं इसे ब्राउन कलर से पेंट करूँगी। पूरी बॉटल में ब्राउन कलर करने के बाद हम बॉक्सेस के बीच में जो गैप है उनमें हम ब्लैक कलर करेंगे, ब्लैक कलर का शेड देंगे। पूरी बॉटल में ब्लैक कलर का शेड देने के बाद अब हम वापस से ब्राउन कलर करेंगे ताकि ब्लैक कलर और ब्राउन कलर आपस में मर्ज हो जाएं। बॉटल के ऊपर के कैप में भी हम ब्लैक और ब्राउन कलर का शेड दे देंगे ताकि बॉटल इक्वल लगे। लास्ट में हम सिल्वर कलर के स्पार्कल से शेड दे देंगे। तो देखिए हमारी बॉटल हो गई है रेडी। फिफ्थ बॉटल को रेडी करने के लिए मैंने ये ग्लिटर पेपर का यूज़ किया है। ग्लिटर पेपर को कट करके मैंने ये डिज़ाइन बनाया है और उसको डेकोरेट करने के लिए मैंने ये अलग अलग कलर के स्टोन स्टिकर्स का यूज़ किया है। मैंने ग्लिटर शीट से ये क्राउन शेप का डिज़ाइन बनाया है। आप चाहें तो कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। इसके बैक साइड में फेविकॉल लगाने के बाद इसको हम बॉटल में अच्छे से चिपका लेंगे। इसको लगाने के बाद हम बॉटल में बाकी स्टोन स्टिकर्स को भी अपने अकॉर्डिंग लगा लेंगे। तो देखिए हमारी ये बॉटल भी रेडी हो गई है। ये देखने में कुछ ऐसी लगेगी। सिक्स्थ बॉटल को रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर बिंदी का यूज़ किया है। इस बॉटल को डेकोरेट करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसमें हमें कलरफुल बिंदियों को चिपकाना है।
इसमें मैंने 3 या 4 साइज़ की कलरफुल बिंदियों का यूज़ किया है। बॉटल के नीचे मैंने एक ही कलर की बिंदी से बॉर्डर बनाया है। तो देखिए हमारी ये बॉटल भी रेडी हो गई है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इनमें से कौन सी आपको सबसे अच्छी बॉटल लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।